अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे गाड़ियां कंप्लीट होंगी मैं आपके साथ वीडियो को शेयर करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गाड़ियों का काम चल रहा है। प्यारे दोस्तों, फिटिंग हो रही है गाड़ियों के, हुड की फिटिंग हो रही है, सीटें वगैरह रखी जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन पर। और प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये मेकिंग आइडिया 007 जो चैनल है, ये प्यारे दोस्तों आप सबका चैनल है। अगर अभी तक आपने अपना ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बआसानी आपकी स्क्रीन पर मिलती रहे। तो प्यारे दोस्तों, ये F12 की गाड़ी है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये F12 की गाड़ी है। इसमें जो चेंजिंग है मैं आपको बता देता हूँ, ये इस जगह से ये बड़ा है, ठीक है जी। और इसके अंदर वाली साइड पर एक सीट रखी जाती है बड़ी वाली, ठीक है। तो ये F12 की गाड़ी है। तो अब हम चलते हैं 3-सीटर गाड़ी की तरफ। तो प्यार दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 3-सीटर गाड़ी है ये। इसकी ये वाली जगह छोटी है, ठीक है जी। इस जगह पर अंदर वाली साइड पर कोई सीट वगैरह नहीं रखी जाती, इसलिए ये 3-सीटर की गाड़ी है। और वो जो पीछे मैंने आपको दिखाई थी वो F12 की गाड़ी है। और ये जो भाई लगा रहे हैं गाड़ी, इसमें हुड फिटिंग का काम चल रहा है। और ये ओपन 6-सीटर है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये न्यू एशिया की ओपन 6-सीटर है रेड कलर में। तो प्यारे दोस्तों, अभी हुड फिटिंग का काम चल रहा है, थोड़ी सी वीडियो आपके साथ हुड फिटिंग की भी मैं शेयर कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं जो मुकम्मल गाड़ियाँ हो जाएंगी तब उनकी डिटेल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा, ठीक है जी। तो ये प्यारे दोस्तों, इस टाइम हमारे हुड की जो साइड है फिट हो रही है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये प्यारे दोस्तों जो ये पेच लगा रहे हैं हथौड़ी के साथ, इसके नीचे इन्होंने पहले एक ड्रिल के साथ छोटा सा सुराख किया है, इसलिए ये बड़ी आसानी के साथ फिट हो गया है। और बाकी प्यारे दोस्तों, दूसरी साइड की बात की जाए तो दूसरी साइड पे जो लोहे का फ्रेम लगा हुआ है, जिसे हम जंगला बोलते हैं, तो उसके ये इस जगह पर सारे बोल्ट इन्होंने ना वेल्डिंग किए होते हैं, ठीक है जी। अब इस जगह पर सुराख करके ये वॉशल और ये कैबिनेट इसके ऊपर फिट कर देंगे। तो चलें, आपके सामने ये सुराख करने लगे हैं, ये आप चेक कर लें। ये देखें, बोल्ट के निशानदेही कर रहे हैं कि किस जगह पर है, ठीक है जी। उसके बाद ये देख सकते हैं, इन्होंने सुराख कर लिया और ये एक वॉशल और कैबिनेट के साथ इसको फिटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये जो नट लगाए इन्होंने, ये कैबिनेट को टाइट कर देंगे, ठीक है जी। ये टाइट हो गया। अब यार दोस्तों, इन्होंने सेंटर से जो ये देखो, सेंटर से हुड की साइड को उठाना है ताकि नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट करने के बाद जो बाकी बोल्ट है उनके ऊपर भी इन्होंने गोटी के साथ सुराख निकाल लेना है। और अब ये बोल्ट देख रहे हैं किस जगह पर है, और उसके हिसाब से ये सुराख निकालेंगे। ये आप चेक कर लें। और प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आसानी मिलती रहें। तो प्यारे दोस्तों, नीचे वाली साइड की फ़िटिंग हो गई कंप्लीट। अब ये ऊपर वाली साइड की फ़िटिंग कर रहे हैं। तो लोहे का जो जंगला है हमारा, जो लोहे का फ्रेम है, ठीक है जी, उसके अंदर ये आप देख सकते हैं सुराख निकाल रहे हैं, ठीक है, कील के साथ। और ये जो है रिबट गन के साथ रिबट लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक रिबट लगी ऊपर वाली साइड से भी ये फिटिंग होगी। अब दूसरी साइड से फिटिंग करने लगे हम, और दूसरी साइड से भी प्यारे दोस्तों ये स्टील के कील के साथ सुराख करेंगे, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, एक भाई हुड को ऊपर की तरफ खींच के रख रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, और दूसरे भाई सुराख कर रहे हैं। ये आप चेक कर लें, सुराख हो गया कम्प्लीट। अब ये इस जगह पर भी रिबट लगा देंगे। तो दोनों साइडों से प्यारे दोस्तों रिबटें लग चुकी हैं। अब सेंटर की बारी है, सेंटर से भी ये टाइट करेंगे और एक रिबट इस जगह पर भी लगाएंगे, ठीक है जी। और बाकी इसके सेंटर में भी अगर ये लगाएंगे तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, सेंटर में भी इन्होंने एक रिबट और लगा दिया। तो ये अपनी साइड आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई वर्टशर्ट नहीं है, बिल्कुल ये क्लियर है। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप अंदर वाली साइड पर भी देख सकते हैं, आधा काम कंप्लीट हो चुका है। और बाकी सीट्स वगैरह ये आप देख सकते हैं फिटिंग होने वाली अभी रहती हैं। तो जैसे जैसे प्यारे दोस्तों गाड़ियों का काम हो रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और प्यारे दोस्तों, जब गाड़ियाँ हमारी कम्प्लीट हो जाएंगी, मैं फिर इन सब गाड़ियों की कम्प्लीट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने आगे आने वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। अब हम चलते हैं जहाँ पे हम हुड की सिलाई वगैरह करते हैं, सीटें वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें, इसकी बैक साइड भी देख लें, ठीक है जी। ये बैक साइड से जो हमने सीट्स वगैरह लगाई हैं, इसकी लुक शुक चेक कर लें।
और ये हुड की साइड है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अंदर वाली साइड पर, जहाँ पे हम हुड की सिलाई करते हैं और दरवाजे सिलाई करते हैं। तो ये पैर दोस्तों हमारा जो सेक्शन है, ये सीट्स बनाने वाला है, ठीक है जी। यहाँ पे सीट की फिटिंग होती है, ठीक है जी। और पैर दोस्तों ये आप लोडर रिक्शे की सीट्स बनी है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हुड सिलाई की तरफ। ये पैर दोस्तों जो बाहर गाड़ियाँ लगी हैं उनका सामान पड़ा हुआ है, हुड शूट पड़े हैं। तो ये जो हुड भाई नए तैयार कर रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं राणा रिजवान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। तो ये दरवाजे स्टिचिंग कर रहे हैं, ये आप देख लें, बड़ा साफ सुथरा काम करते हैं भाई। और प्यार दोस्तों वीडियो यहाँ तक की थी। वीडियो अगर आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।